हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पैन कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को पता करना चाहते हैं कि आपके पैन कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं कि आप सिर्फ एक मिनट में अपने पैन कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को कैसे पता कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। पैन कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पता करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है और गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे NSDL। टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपके सामने सेकंड नंबर की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं www.onlineservices.nsdl.com, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड ई पैन कार्ड। यहाँ पर हमको पैन कार्ड को डाउनलोड नहीं करना है, तो यहाँ पर हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पता करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर पैन नंबर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन जाता है पैन, यानी कि जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है, जिसके भी पैन कार्ड में हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को पता करना चाहते हैं उसका जो भी पैन नंबर, उसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे। पैन नंबर टाइप करने के बाद नीचे ऑप्शन मिल जाता है आधार नंबर, जो भी उसका आधार नंबर है उसको यहाँ पे टाइप कर लेंगे। आधार नंबर टाइप करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं मंथ ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ उसके आधार कार्ड में उसमें जो भी मंथ है उसको यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद साइड में आप देख सकते हैं ईयर ऑफ बर्थ, जिस भी वर्ष में उसका जन्म हुआ था उस वर्ष को यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ईयर ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद नीचे टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाता है। आपको जिस तरीके से कैप्चा कोड दिख रहा है उसी तरीके से आपको नीचे कैप्चा कोड को टाइप कर लेना है। और अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो साइड में आपको रिफ्रेश का बटन देखने के लिए मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप कैप्चा कोड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड है उसको मैं टाइप कर लेता हूँ। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसका भी आपने पैन नंबर टाइप किया था उसकी सारी डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर पैन नंबर देख सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, जो कि यहाँ पर पीछे के चार अंक दिए गए हैं, बाकी के सारा हाइड है। इन चार अंकों से आप पता कर सकते हैं कि आपके पैन कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से आप अपने पैन कार्ड में पता कर सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।